बेहद रोमांचक मुकाबले में जबलपुर कॉर्पोरेशन की टीम ने ग्वालियर जिला को पराजित कर राज्य स्तरीय महिला कबड्डी की चमचमाती ट्रॉफी पर किया कब्जा। रीवा का एनसीसी मैदान गवाह बना पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय महिला कबड्डी का, जिसमें खिताबी जीत हासिल की जबलपुर कॉर्पोरेशन की टीम ने। इसी के साथ उसने सेमीफाइनल में पराजित हुई अपनी ही यानी जबलपुर एकेडमी की टीम की हार का बदला भी लिया, जिसे ग्वालियर ने 14 अंकों से पराजित किया था। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में भी एक बेहद नजदीकी रोमांचक मुकाबला रीवा के दर्शकों ने देखा था। पल पल बदलते परिणाम ने सेमीफाइनल मैच को यादगार बना दिया, जिसमें अंत में बाजी हाथ लगी भी जबलपुर कॉर्पोरेशन के हाथों। कुछ ऐसा ही नजारा देखने में नजर आया फाइनल में, जहां ग्वालियर ने अपने रेडरों के बदौलत मैच में पकड़ बना ली थी और ग्वालियर की पूरी टीम को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद जबलपुर की टीम ने संभल कर लेकिन फुर्ती के साथ मैदान में अपनी पकड़ बनाई। नतीजा कोच शानू यादव की टीम के हक में, मुकाबला 36 अंकों से रहा। इसके पूर्व प्रतियोगिता का आगाज 25 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा के हाथों हुआ, जबकि समापन 27 दिसंबर गुरुवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के द्वारा हुआ। हम आपको बता दें, 3 दिन एनसीसी मैदान में प्रदेश की 32 टीमों के खिलाड़ियों, ऑफिशियल सहित 500 लोगों का जमघट लगा रहा। प्रत्येक मैच का रीवा के दर्शकों ने भरपूर मजा उठाया। काफी अरसे बाद रीवा की धरती पर क्रिकेट के अलावा दूसरे खेल की झलक दिखाई दी, जिसे अंजाम तक पहुंचाया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दर्शना वाकड़े की टीम ने। रीवा दर्शन उनकी पूरी टीम प्रतिभा सिंह, पायल सिंह, रितिका शुक्ला, श्रीमती लीला श्रीवास, डीपी सिंह सहित सभी को बधाई देता है। देखिए देखिए सामने देखिए, ये हो गया। मंगवाई सील नीचे करिए, चेयर नहीं आ रहा। और करिए और नीचे करिए, बस और करिए और नीचे करिए। यस यस गुड, यस 1 2 3। चलिए हो गया। वजह से उनके किसी कारणवश कहीं कोई चूक हो गई हो तो मैं उन सब आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे उम्मीद करता हूँ।